अमरावती जिले के उपरांत जवड़ा शाहपुर गांव के किसानों को गिट्टी खदान कंपनी की वजह से बहुत सी बुरी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड गिट्टी खदान कंपनी के मनमानी कारभार के चलते किसानों के खेत को नुकसान होने के साथ साथ किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। अमरावती जिले के उपरांत जवड़ा शाहपुर गांव के किसानों को गिट्टी खदान कंपनी की वजह से किसानों को बहुत ही बुरी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड गिट्टी खदान कंपनी से निकलने वाले धूल मिट्टी के कारण अल्पभूधारक किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। कंपनी के गलतान कार्यों की वजह से किसान कर्जदार होने की शंका जताई जा रही है। दूसरी तरफ एक किसान लड़के का कहना है कि उसके पिताजी को हार्ट अटैक कंपनी के वजह से आया है और उनकी मौत हो चुकी है, जिसके चलते इस खदान से गांव के किसान परेशान होकर कंपनी के विरोध नाराजगी जताते हुए न्याय की गुहार लगा रहे हैं और नुकसान भरपाई न मिलने पर आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। इस पर सवाल पूछने पर कंपनी मालिक ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। देवदास राव खेड़कर है, मेरा खेत वो गिट्टी खेजर है करके मेरा खेत खराब हो गया। वो तुरी का फसल है ये साल में, आने खेत है मेरे पास 2 हेक्टेयर 27 हजार। ये जो फसल है पूरा बर्बाद हुआ लगता है, बर्बाद हो गया। इसका खेत है, ये पूरे जो काश्तकार खड़े हैं हमारे सामने, ये पूरे ये कंपनी की वजह से त्रस्त आ चुके हैं। 2 साल से ये उनका ये चालू है। हमने कंप्लेन दिया, तहसीलदार के पास गए, सभी पास गए, लेकिन वो हमारी बात सुनने रहे हैं। अभी जो नुकसान हुआ है उसके जवाबदार अब हमारे जो घर चलाने वाले है हमारे ऊपर जवाबदारी रहती है। अब हम करें तो क्या करें, बताएंगे तो किसको बताएंगे? ये अब सरकार ने कुछ हम इसके ऊपर ध्यान दे के करना पड़ेगा। बड़ी मुसीबत में हम पूरे काश्तकार आ चुके हैं। ये कंपनी किसकी? शैलेश इंफ्रास्ट्रक्चर गिट्टी की दान। कितने साल से है यहाँ पे? ये 2 साल से है, 2 साल से हमारी पूरी फसल बर्बाद होने हो रही है। मैं राम नारायण राव पात्रे, मेरी खेत है 8 एकड़ और खेत में रहता सोयाबीन और तुअर। ये साल में 3 एकड़ की खेत वैसे पड़ित रखना पड़ा, ये कारण क्योंकि ये धूल मिट्टी की वजह से कोई फसल ही हमारी ऊपर नहीं आ रही थी और तुअर है तो पूरी खराब हो गई है कि इतना कर्जा हो गया अंग पर कि हम बोल भी नहीं सकते तुमको। तो ये कारण देखो, 2 साल हो गए, पिताजी गुजरने के कारण ये की है, ये फसल में कोई मतलब इनकम नहीं आ रहा था हमको, मतलब कोई मतलब उत्पन्न ही नहीं हो रहा था। उन्होंने टेंशन लिया, वो खेत में उनकी डेथ हो गई। तो वही कारण यही है कि कंपनी की वजह से हमारा पूरा नुकसान हो रहा, तो हम क्या करें, तो किसके पास में जाए। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए राजेंद्र वाटा ने अमरावती।